जो सूरत से मोहन आया था वो सीधा पहले उसके कुएं पे गया और कुएं से ही सीधा वो मंडफे गया और मंडफे से सीधा ही उसको हमने चित्तौड़ रेफर कर दिया। तो चित्तौड़ में उसकी सैंपलिंग होने से वो पॉजिटिव आया, जो गांव में तो वो गया नहीं, इसलिए गांव जो उसके साथ ही थे उसका भतीजा था एक मोहन वो दिनेश वो गांव में गया है और एक चरलिया का जो लड़का था सुरेश वो गांव में गया। तो उनके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग आए 55 लोग आए हमने उन सबको क्वारंटाइन कर दिया है। उनकी पहले दो बार सैंपलिंग हो चुकी जो किसी तकनीकी कारण से वो तकनीक रिजेक्ट हो गई, तो तीसरी बार इसलिए हमको सैंपलिंग लेनी पड़ी। आज कितने लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है? सर 57 लोगों की सैंपलिंग ली जा रही है, दो बच्चे तो एक औरत और एक बच्चा भासुड़ा का आ गया था और 55 लोगों को हमने क्वारंटाइन करा के उनकी सैंपलिंग होगी। आज इस टीम में कहाँ कहाँ इसकी टीमें शामिल हुई है? तो इसमें टीम आई है अपने चित्तौड़ की टीम आई है, डॉक्टर मिट्ठू हैं और एक मेल नर्स हैं कन्हैया नाम। आपका क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है सर? जी सर आपका क्या जिम्मेदारी है, क्या दायित्व है? सर मेरा ये जिम्मेदारी है कि दो बार जो सैंपलिंग रिजेक्ट होगी इस बार सैंपलिंग रिजेक्ट नहीं हो, तो इसके लिए पूर्ण सावधानी बरती गई है, पूर्ण तरीके से तैयारी करके हम इस बार सैंपलिंग ले रहे हैं ताकि ये तीसरी बार सैंपलिंग रिजेक्ट नहीं हो। जी साहब पहले एक सैंपलिंग हो चुकी थी आते ही सेम डे, उसमें कुछ सैंपलिंग में प्रॉब्लम आई, फिर सेकेंड सैंपलिंग हुई उसमें भी प्रॉब्लम आई और आज अभी लेटेस्ट सैंपलिंग ले रहे हैं, चित्तौड़ से टीम आई हुई है, तो जैसे ही सैंपल्स ले जाएगी उसके बाद में इनका रिजल्ट शायद कल तक आ जाए, कल शाम तक या परसों सुबह तक। क्या कारण रहा सर सैंपलिंग के, तीन सैंपल लेने के बाद भी? सर इसके टेक्निकल रीजंस रहे होंगे, ऑफिस वी आर नॉट अवेयर, तो ये डीसीएम साहब आपको ज़्यादा बेटर बता पाए।